नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेगमगंज विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित हुए कवि सम्मेलन को हम आप तक कड़ी दर कड़ी पहुंचा रहे हैं, और इसलिए हम आज के इस चौथे एपिसोड में लेके आए हैं आपके लिए देश में ख्याति प्राप्त संगीता सरल जी को, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दूरदर्शन पर भी अनेकों बार ये आ चुकी हैं, अपनी मीठी मधुर आवाज से हास्य व्यंग और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत अपनी रचनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। हमारा बेगमगंज विकास मंच का गठन, जो हमारे कुछ साथियों ने पिछले वर्ष किया था, उसका उद्देश्य ये था कि हमारे नगर में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, उनका हम उस मंच के माध्यम से निराकरण कर सकें, चाहे वो उसके लिए हमें शासन से, प्रशासन से, या किसी प्रकार से अपनी बात किसी भी माध्यम से रखना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस मंच का गठन किया था, और उसके हमें कुछ सकारात्मक नतीजे भी मिले। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले अस्पताल की समस्या को लेकर एक आंदोलन किया, उसका हमें आगे चलकर उसका हमें फायदा ही मिला। आज अस्पताल की जो व्यवस्था है, इसमें काफी हद तक सुधार हुआ। कि आपके चेहरे का भोलापन भा गया, और इसलिए दिल मेरा आप पर ये जबरन खुश हो रहे हैं, आप फालतू में तालियां बजा रहे हैं। अगली पंक्ति आपके लिए है कि आपके गांव में आके ऐसा लगा दोस्तों जिंदगी का मजा, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत हम पुलिस वाले करते नहीं किसी से। मैं भी वन विभाग में कार्यरत हूँ, तब कहती हूँ कि हम मोहब्बत से डरने लगे हैं, सोच कर ही सिहरने लगे हैं, और उनको थोड़ा सा क्या आजमाया वो वादा करके मुकर गए कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। कितनी कमजोर तालियां हैं। मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले छैल छबीला बाकस जीला लगता भोला, पुलवामा को याद कीजिए कितने युवा लोग थे वो, छेल छबीला बाकस जीला लगता भोला भाला, और पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार। आपकी तालियां कमजोर, इसलिए आप सोच रहे दिल थानेदार ले गया तो हम फोकट में ताली क्यों बजो, सही है, समझदार हैं ये लोग। लेकिन सुनिए क्यों दिल थानेदार ले गया, जब प्रेसी ने प्रणय निवेदन किया मित्र, उसका जवाब सुनिएगा। प्रेसी कहती मैं तुमसे प्रेम करती, उसका जवाब सुनिएगा कि वो कहता है गाँव मुझसे दूर ही रहना, अद्भुत है, और देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार, इस बात पे मेरा दिल ले गया था, मेरा दिल ले गया था, वक्त फिर बेवफा
न हो जाए, वक्त फिर बेवफा न हो जाए, आज हमसे छुपा न हो जाए। और आज क्यों डर रहा है दिल तेरा कि तू किसी और का मोहना 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 मन हुआ मोहना तन हुआ मोहना। क्या आवाज है भाई, वाह। मोहना 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 तन हुआ मोहना मन हुआ। पति छुट्टी से लौटा था, क्या गा रही है वो युवती। मैं तोड़ने लगी, युवा जितने आप बैठे हो दिल से और शिद्दत से सुनना इस गीत को, और हमेशा अपने देश के लिए कुछ कर सको तो जरूर करना। मैं तोड़ने लगी पक्षियों की तरह, बादलों की तरह, तितलियों की तरह, मन खिले फूल सा ये महकने लगा, प्यार आँखों में मेरी दहकने लगा। कह उठा साजना साजना मन हुआ मोहना तन हुआ मोहना। अरे लज्जत इश्क माशूक दिला रहा है, और अंगूर का मजा तो किशमिश में आ रहा है। चाचा ले लीजिए, बढ़िया पास तैयार, बहुत बढ़िया। बाद में भी मजे लोगे आप, एक चीज के दो बार मजे, ये टैलेंट है जी। मेरा चित्र खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, और एक बात तो बतला दो जानी, एक आंख क्यों मीच रहे हो। लक्ष्मण बहुत बहुत जिंदा दिल व्यक्ति है, जहाँ रहता है वहाँ महफिल सजा देता है, और ये बहुआ है जो बोतल का मजा देता है। और चाचा की खुशी आगे लगवा दो आप, पक्के हो गए, बहुत बढ़िया। भाई साहब मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैडम जहाँ 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 पीछे ही पीछे जाना जी। कभी लगाना है और टूटने से बचाना है, बात मेरी कबूल कर लीजिए, ये वफा से भरा खजाना है, ये वफा से भरा खजाना है। क्योंकि मित्रों अगर समझो तो गंगा जल है, और ना समझो तो पानी। भाई वाह, अद्भुत मिश्रा हो। हमारी भी तुम्हारी भी फकत इतनी कहानी है, अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमानी। क्योंकि जिस चमन में फूल पर अद्भुत है भाइयों की बंदियां, तितलियां नहीं होती, और फिर हरी भरी दिल की खेतियां नहीं होती, और इन घरों से खुशियां भी दूर दूर रहती हैं, जिन घरों में मैं कश बेटियां नहीं। कहां नहीं है हमारी बेटियां? कौन कहता है कि महिलाओं ने वस्त्र कम कर दिए हैं, जब हमारी एक नन्ही बेटी पारंपरिक वस्त्रों में है, मैं भारतीय परिधान में हूं, तब मुझे कहीं जलाल भाई की पंक्तियां और पवार जी की पंक्ति याद आती है, समर साहब सुनिएगा, कि मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, और बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, और तुम बदलो या हम बदले ये हिंदुस्तान।
हम कि देखो कैसे सवर के निकले और तीर आँखों में भर के निकले और कितने होंगे शिकार महफिल में इस इरादे को करके निकले। मुझे मन बना दीजिए मेरा एक बार हौसला अफजाई जोरदार तालियों से शहीदों के नाम।